नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है LM2676 IC, जो कि एक स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो बेसिकली इस आईसी का यूज जो है स्टेप डाउन, यानी बोर्ड को डाउन करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये एक तरह की स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी होती है, जो कि बोर्ड को रेगुलेट करती रहती है जितने पे भी आप इस आईसी को फिक्स कर दोगे। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी। तो बेसिकली ये आईसी जो है 7 पिन की आती है, और इसका हार्डवेयर है जो आपके सामने है, इसी तरह से इसका हार्डवेयर अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। टॉपिक शुरू करने से पहले, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं LM2676 IC, जो कि एक 7 पिन की स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी होती है। तो सबसे पहले जो इसका हार्डवेयर होगा, मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हार्डवेयर है, वो इसी प्रकार का होगा जो आपके सामने फिजिकल तौर पे दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये जिगजैग टाइप के अंदर इसकी पिन बनी हुई है, यानी एक पिन नंबर फर्स्ट है, फिर एक सेकंड नंबर पिन जो ऊपर की तरफ उठाई गई है। क्योंकि इसका मेनली कारण ये होता है कि जब इसको सर्किट के अंदर इंस्टॉल करें, इसकी पिन एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जब सोल्डरिंग करें। तो इसके लिए इसको जिगजैग के रूप में बनाया जाता है, यानी 4 पिन आगे होती है और 3 पिन पीछे होती है, ताकि जब इसको सर्किट के अंदर इंस्टॉल करें तो इसकी पिन किसी के साथ अटैच ना हो। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है। तो इसको फिजिकल तौर पर ये मार्केट के अंदर इसी तरह आपको अवेलेबल होगी, और इसको लगाने के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है, और हीट सिंक के साथ इसको अटैच किया जाता है। ये हॉल बना हुआ है जिसके साथ स्क्रू टैब लगा के स्क्रू लगाकर इसको हीट सिंक के साथ अटैच किया जाता है, ताकि जब भी ये वर्किंग करे तो ओवर हीट हो तो वो हीट सिंक के माध्यम से ठंडी रहे। तो इसका प्रयोग हीट सिंक के साथ लगा के करना चाहिए, अदरवाइज अगर विदाउट हीट सिंक करोगे तो ये आईसी जल्दी ही खराब हो जाएगी। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे पिन के बारे में, कि इसकी कौन कौन सी पिन होती है, कितनी पिन होती है। तो ये जो LM2676 जो आईसी है, इसकी पिन नंबर जो जिस तरफ ये डॉट लगा होता है, वो आईसी की पिन नंबर 1 होती है। तो ये पिन नंबर 1 है जो कि स्विच आउट की पिन होती है, यानी यहाँ से वोल्ट आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होंगे। पिन नंबर 2 जो है इनपुट की पिन होगी, इसके ऊपर आप 1.25 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक की इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। पिन नंबर जो 3 है, ये सी बूस्ट की पिन होती है। पिन नंबर 4 ग्राउंड की पिन है, यानी नेगेटिव सप्लाई की पिन। पिन नंबर पर जो 5 होती है, इसकी यूज नहीं की जाती, इसलिए इसे खाली पिन छोड़ दिया जाता है। यानी पिन नंबर 6 जो है फीडबैक की पिन। पिन नंबर 7 जो है ऑन और ऑफ की पिन है, यानी जब आईसी को हमने ऑन और ऑफ करना है आउटपुट को, तो पिन नंबर 7 का प्रयोग किया जाएगा ऑन और ऑफ के लिए। तो ये तो है इस आईसी की टोटल 7 पिन, जिसके अंदर 5 नंबर पिन का प्रयोग नहीं होता, टोटल इसकी 6 पिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये है इसकी 6 पिन बनी हुई। आप इसका डायग्राम देख सकते हो। पिन नंबर 1 स्विच आउट की पिन है, पिन नंबर 2 इनपुट की, पिन नंबर 3 सी बूस्ट की पिन नंबर 4 ग्राउंड, पिन नंबर 5 एनसी, पिन नंबर 6 फीडबैक, पिन नंबर 7 ऑन और ऑफ, यानी आईसी को ऑन ऑफ ऑफ करने के लिए। अब बात करेंगे जो आईसी के फीचर, जो किस हिसाब से ये आईसी काम करती है, किस किस वोल्ट पे काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो LM2676 जो आईसी है, ये 150 MΩ DMC आउटपुट स्विच के रूप में काम करती है। नंबर 2, ये वोल्ट जो फिक्स वोल्ट है, ये कौन कौन से पे काम करेगी, ये 3/3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के रूप में ये फिक्स के तौर पे ही काम कर सकती है। अगर आपने इसे एडजस्टेबल वोल्ट करवाने हैं, तो वो 1.2 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट तक आप इसे एडजस्टमेंट वोल्ट ले सकते हैं। मान के चलिए आपको 3 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8, 12, 25, 30, 37 वोल्ट चाहिए, तो इसको आप एज एडजस्टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो 50 UA स्टैंड बाई करंट ऑन ऑफ स्विच इसके अंदर इनबिल्ड होता है, और 2% का मैक्सिमम आउटपुट टॉरेंस सिस्टम जो होता है ओवरवोल्ट का, वो 2%, यानी
अगर आपने इसके आउटपुट के रूप में मान के चलिए 10% का लोड दिया है, तो उसके ऊपर 2% प्लस और 2% माइनस करके आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो इनपुट रेंज जो है इसकी वो 8 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक का ये इनपुट इसको रेंज दी जाती है एज ए इनपुट वोल्ट के रूप में। यानी जब इसको इनपुट सप्लाई दोगे आप तो 8 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक की इसे सप्लाई देकर आप ऑपरेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगी ऑसिलेटर, इंटरनल ऑसिलेटर जो होता है वो फ्रिक्वेंसी जो जनरेट करेगा फिक्स होगी, जो 260 किलो हर्ज की होगी। यानी इतनी स्पीड से ये आउटपुट हमें दे सकता है, 260 किलो हर्ज की फ्रिक्वेंसी ये जनरेट करेगा, जिससे आउटपुट आपको आसानी से जल्दी से आउटपुट मिल सकता है। और जो इसकी जंक्शन टेम्परेचर कैपेसिटी है, जब भी ये ऑपरेट होता है तो इसकी जंक्शन ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है वो 40 डिग्री से लेकर 125 डिग्री तक होती है। तो ये तो है इसके कुछ फीचर। अब इसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, इसको आप एज ए लीनियर रेगुलेटर आईसी के यूज़ पे भी यूज़ कर सकते हो, स्टेप डाउन स्विच रेगुलेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बैटरी चार्जिंग के लिए भी इस आईसी का यूज़ कर सकते हो। तो ये तो है एप्लीकेशन और फीचर इसके। तो अब बात करेंगे इसके इंटरनल इसी के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन लगे हो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ऑन और ऑफ करवाने के लिए इसके अंदर एक 7 वोल्ट का रेगुलेटर जीनर डायल लगा होता है जो कि वोल्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके ऊपर स्टेप अप और 5 वोल्ट इंटरनल रेगुलेटर आईसी, 1.25 वोल्ट रिफरेंस वोल्ट और बेसिक जनरेटर सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया और एक कंपेरेटर भी लगाया गया है। तो ये तो है ऑन ऑफ करवाने के लिए इसके अंदर अलग अलग फंक्शन। और अब बात करेंगे जो इसका किलो हर्ज है, यानी 260 किलो हर्ज का ऑसिलेटर सिस्टम इसके अंदर बना हुआ है, करंट लिमिट सिस्टम इसके अंदर बना हुआ है, आरएस यानी रजिस्टर सेंस इसके अंदर बना हुआ है, प्लस थर्मल शटडाउन टीएस यानी थर्मल शटडाउन सिस्टम भी इसके अंदर बनाया गया, यानी ओवरहीट होने के बाद ये आईसी आउटपुट को बंद कर देगी। उसके बाद कंट्रोलर लॉजिक सिस्टम भी है, ड्राइवर सेक्शन भी बनाया गया है ताकि ये बोर्ड को रेगुलेट करने में आसानी हो। तो इसके लिए इस जो मॉसफेट इंटरनल तौर पर लगाई गई उनको चलाने के लिए ड्राइवर सेक्शन का प्रयोग किया गया, PWM कंपैरेटर का भी प्रयोग किया गया है, और जो इसके G1 और G2 इसके अंदर दो कंपैरेटर लगाए गए हैं जो कि फीडबैक का इनपुट लेके ये आईसी काम करते हैं, ताकि फीडबैक के रूप में जो भी इसके अंदर ऊपर हाई है या लो वोल्ट आएंगे उसी के आधार पे ये आईसी हमारी काम करेगी। तो ये बेसिकली इसके फीचर हैं। और अब बात करेंगे इस आईसी को चेक करने का मेथड किस तरह होगा, यानी इस आईसी जो हमारी ये LM2576 आईसी इसको चेक करने का मेथड क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो इसकी डी बूस्ट की पिन, सॉरी जो इसकी है वी इनपुट की पिन और जो वी स्विच की पिन होती है, यानी जो स्विच की पिन है वी स्विच पिन है, उन दोनों के ऊपर हम एज ए मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके मल्टीमीटर को बीप की रेंज के अंदर सेट करके एज ए मॉसफेट यानी एज ए डायोड चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है एक तरफ वैल्यू आनी चाहिए, वो भी लगभग 500 के करीब करीब अगर वैल्यू आ रही है तो ये ओके है, अगर बीप शो हो रही है तो ये खराब है। तो इसकी अगर 500 के करीब वोल्ट इनपुट और वी स्विच के ऊपर, यानी अगर वोल्ट हमें 500 के करीब वैल्यू इसकी प्राप्त हो रही है तो ये आईसी ओके है, अगर बीप शो हो रही है या वैल्यू शो नहीं हो रही तो ये आईसी खराब है। इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट वोल्ट को इस तरह आप पिन मल्टीमीटर की प्रोब लगा के चेक कर सकते हैं। ये तो है इसका चेक करने का मेथड। अब बात करते हैं इसकी पिन डिटेल की। आपने मैंने पिन डिटेल आपको करवा दिया कि इसकी जो 7 पिन है किस तरह काम करती है। पिन नंबर 5 का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता और टोटल ये 7 पिन की आईसी होती है, जिसके अंदर 6 पिन इसकी वर्किंग की होती है, पिन नंबर 5 इसकी नॉट कनेक्टेड होती है यानी वर्किंग के लिए यूज में नहीं ली जाती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक LM2676 आईसी, जो कि एक स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी के रूप में काम में ली जाती है। अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।